कहां से आई बहन जी? थोड़ा नजदीक आ जाओ। कहां पड़ता है ये? जयपुर में। माइक ले लो, थोड़ा नजदीक आओ ताकि आप पढ़ सको पर्चा को। मैं घर से निकली थी तब मुझे यकीन नहीं था कि आपके दर्शन हो जाएंगे। हाँ, दरबार में आप पहली बार आए? पहली बार। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? नहीं। क्या चाहते हैं आप? आपसे कोई छुपी नहीं है, बालाजी से कोई छुपी? हाँ, बालाजी से बोलो। कुछ भी छुपी नहीं है आप। पूछो, प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में बहुत कलेश होता है। ठीक। और दूसरा जो मेरे दिमाग में माथे में ना पता नहीं ऑपरेशन। साथ में है कोई आपके? साथ में कोई नहीं। कोई नहीं आया? ठीक है। कलेश बनता, लड़ाई बीमार बनी रहती, सिर पे बोझ बनता, शरीर में दिक्कत बनती है, प्रेत बाधा का कारण है, एकदम ठीक हो जाएंगी। शरीर में कंपन भी होता है। हाँ। माइक लो, नजदीक करो। शरीर में कंपन भी होता है। हाँ, शरीर कांपने लगता। हाँ। पागलों जैसी हरकत होने लगती है। हाँ, अपना ध्यान भूल जाती है। हाँ। करवाई गई भूत विद्या परिवार की ईर्षा के कारण है। तांत्रिक राम प्रकाश नाम के तांत्रिक ने तंत्र विद्या की है, तंत्र कट जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। महाराज मेरे, क्या ये इनमें से कोई बात गलत? बिल्कुल सही है महाराज, एकदम सही। बोलो सीताराम। सीताराम महाराज, एक प्रश्न हो रहा है मेरा। एक मिनट, जी अब पूछो। मेरे पति है ना, उन पे भी कोई करवा रखा है? अगर पागलों जैसी हरकत रहती है, ना कुछ ध्यान देते हैं, ना भगवान को मानते हैं, उल्टा बोलते, पति परेशान करते, उन पर भी प्रेत विद्या है, बीच बीच में उनका भी पागलों जैसा दिमाग हो जाता है। हाँ। ये पति के बारे में। हाँ महाराज, बिल्कुल सही है। यही लिखा? जाओ, वो भी ठीक हो जाएंगे। आप दरबार में पहुंचो, आज तो हम उपाय कर ही देते हैं। रात को परेशान करना वो प्रेत बंद कर देगा। आप धाम आना, पूर्ण बंधन वहां से हो जाएगा और तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जो तुम्हारी हंसी उड़ाते परिवारजन, जो खिल्ली उड़ाते और जो कहते कि कभी ठीक नहीं होना है, ऐसे ही घूमते फिरते रहोगे। जाओ, आज से तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। आशीर्वाद है। एकदम सही। कोई संदेह? कोई बात नहीं। राम राम राम, ये हमने पढ़ा। इसमें मंत्र है, मंत्र को हमने वहां पर समझ लेना है। नौ माला, तीन दिन की उपाय सुनो। तीन दिन की आपको अखंड ज्योति जलानी है, विधि पूर्ण करनी है और परहेज करना है। जाओ, बालाजी लीला करेंगे। आशीर्वाद। धाम आना है।